बहारा विश्वविद्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहगल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर बहारा विश्वविद्यालय के चेयरमैन गुरविंदर सिंह बहारा विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कार्यशाला TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल अध्यापकों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें यह विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से कैसे पढ़ा सकते हैं इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी दी गई। दो अध्यापकों तेजेंद्र कुमार और आशीष शर्मा द्वारा लिखी किताब का मुख्य अतिथि ने विमोचन भी किया। बहारा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही कीप हिमाचल क्लीन मुहिम का भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि राजीव सहजल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नई विधाएं आ रही हैं। इन विधाओं को जानकारी अध्यापकों तक पहुंचाने के लिए बहारा विश्वविद्यालय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई नवीन जानकारियां हासिल की जो उन्हें बच्चों को पढ़ाने में काम आएंगी। उन्होंने कहा कि आज बहारा विश्वविद्यालय द्वारा कीप हिमाचल क्लीन मुहिम को आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस मुहिम का बहुत महत्व है। हिमाचल को सुंदर और स्वच्छ बनाने में समाज के सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हिमाचल की सुंदरता कायम रह सकती है। ये कार्यशाला TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल अध्यापकों के क्षमता निर्माण के हेतु एक दो दिवसीय वर्कशॉप का यहाँ पर बहारा विश्वविद्यालय में आयोजन है, जिसका आज मैंने यहाँ पर शुभारंभ किया। और उपनिदेशक शिक्षा सोलन और शिमला, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत शुभ प्रयास ये किया है, क्योंकि अध्यापन की नित नई विधाएं जो हैं वो विकसित होती जा रही हैं, तो हमारे अध्यापक जो है अपडेट रहे और उन विधाओं से अवगत रहे, ताकि फिर आगे चल करके हमारे बच्चों का जो शिक्षण है वो अच्छा हो सके। और मैं देख रहा था काफ़ी अच्छी तादाद में, काफ़ी अच्छे नंबर में हमारे अध्यापकगण इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, और उससे लगता है कि अध्यापक भी जो है इस कार्यशाला का लाभ लेने में उनको भी बहुत इंटरेस्ट है। साथ ही साथ बहारा विश्वविद्यालय ने आज क्लीन हिमाचल करके एक अभियान जो है उसका शुभारंभ किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये अभियान जो है ये एक वर्ष तक चलने वाला है। प्रकृति संरक्षण जो है वो आज की मांग और एक ज्वलंत मुद्दा है। प्रकृति का हम संरक्षण करें, उसी दिशा में बहारा विश्वविद्यालय ने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ हमारे ही राजकीय स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे दो अध्यापकों ने एक साइंस क्विज की एक पुस्तक जो है, बहुत बेहतरीन पुस्तक जो है उन्होंने लिखी है, वो हमारी मातृभाषा हिंदी में वो लिखी गई है। मैंने उसके कुछ पृष्ठ खंगाले तो मुझे बहुत हर्ष हुआ कि इस पुस्तक को पढ़ करके हमारे बच्चे जो हैं अपनी जो उनकी हिंदी की जो वोकैबुलरी है उसमें भी जो है वृद्धि होगी और उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो उन अध्यापकों को भी मैं बधाई देता हूँ। तो कुल मिलाकर के आज का जो है वो यही विषय वस्तु है आज के इस कार्यक्रम की।